नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एलकेजी में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ स्कूल ऑटो चालक द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। 6 साल की खुशी सेंट कोलंबस स्कूल में एलकेजी में पढ़ती है। टैक्सी चालक मुन्ना अहिरवार स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने का कार्य अपनी टैक्सी से करता था। पिछले 2 महीने से लगातार टैक्सी चालक मुन्ना खुशी के साथ अश्लील हरकत कर रहा था और खुशी को कहा, अगर किसी को बताया तो चलती टैक्सी से बाहर फेंक दूंगा। डर की वजह से मासूम ने इतने दिनों से घर पर ये नहीं बताया। बच्ची को निजी अंग में तकलीफ होने पर बच्ची ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। हमारे साथ वो सब बच्चे झूल रहे थे, हमें बुला के कह रहे थे दवा बहुत मोटा है, अच्छा लगता है उसको चाटते ना भी। और कहाँ कहाँ हाथ लगाते हो? यहाँ हाथ लगा रहे थे और यहाँ। पुलिस ने आरोपी टैक्सी चालक को टैक्सी सहित गिरफ्तार कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई थी इस तरह की, थाना सदर बाजार क्षेत्र में पुलिस द्वारा उसको बहुत ही संवेदनशीलता से लिया गया, तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, संपूर्ण विधिक कार्रवाई की जा रही है। निर्देशित किया गया है कि साक्ष्यों के क्रम में जो भी विधिक प्राविधान है उसको उपयोग करते हुए शीघ्र ही संपूर्ण कार्रवाई की जाए। वक्त है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए टाइम समाचार के साथ।